हाय दिस इज मनीष शर्मा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेबी का जो इंट्रा रूल्स एप्लीकेबल होने वाला है फर्स्ट दिसंबर से उसके बारे में कितने फेसिस है क्या क्या फेसिस में कैसे कैसे मार्जिन इंक्रीज होगा किस टाइप के ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा और हमें हमारे ट्रेड में क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा फेस वन आप देख सकते हो ट्वेंटी मार्जिन आपको एप्लीकेबल रहेगा फेस टू फिफ्टी मार्जिन एप्लीकेबल रहेगा फेज थ्री सेवेंटी एंड फेज फोर हंड्रेड इसका डेट्स है तीन तीन महीने का डेट्स है एक दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है और हर तीन महीने में 25 परसेंट मार्जिन बढ़ते रहेगा अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ लेट्स से आपने इंट्राडे में एक लाख रुपए का कोई शेयर खरीदा करंट मार्जिन जो है वो ब्रोकर आपको लेवरेज देता है और आप एक लाख रुपए का स्टॉक खरीद लेते हो अगर आपके पास अकाउंट में दस हजार रूपये है तो भी लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अभी क्या होगा अगर आपको एक लाख रुपए का शेयर खरीदने हैं इंट्राडे के लिए भी तो भी आपको पच्चीस यानी पच्चीस हजार तो मार्जिन आपके अकाउंट में होना ही चाहिए तभी तो आप वो ट्रेड ले सकते हो और यही तीन महीने बाद बाद हो जाएगा 50 और उसके बाद हो जाएगा जाएगा 50 और उसके 75 सो so धीरे धीरे करते सितंबर 2021 तक मार्जिन हो जाएगा 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट का मतलब ये है कि कैश मार्केट में अगर आपको इंट्राडे के लिए भी एक लाख रुपए के शेयर्स खरीदने हैं तो आपके अकाउंट में एक लाख रुपए होना ही चाहिए सो so इस तरीके से ट्रेडिंग होगा सेम एप्लीकेबल है ऑप्शन के लिए सेम एप्लीकेबल है फ्यूचर्स के लिए तो फ्यूचर्स में जैसे निफ्टी दिसंबर का फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूँ वन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड मार्जिन दिखा रहा है एक लॉट बाय करने के लिए सो तो अभी आपको एक लॉट अगर बाय करना है एक दिसंबर से तो आपको इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट पे करना पड़ेगा तीन महीने बाद आप करोगे तो फिफ्टी और सेप्टेम्बर टू तक आपको हंड्रेड मार्जिन पे करना पड़ेगा यानी एक लॉट बाय करने के लिए आपको पूरा डेढ़ लाख रुपया पे करना पड़ेगा तभी आप इंट्रॉड में इसको खरीद सकते हो अब कॉल सेल करते हो तो भी फ्यूचर्स का मार्जिन लगता है पुट सेल करते हो तो भी फ्यूचर्स का मार्जिन लगता है तो कॉल सेल करने वाले और पुट सेल करने वाले के लिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा ये जो लोग कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा जितने भी स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स हैं उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है इससे ब्रोकर्स को भी इंपैक्ट होगा इससे क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग कम हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग कम हो जाएगा तो उनका ब्रोकरेज का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा सो डेफिनेटली ये रूल ब्रोकर्स को भी इंपैक्ट करने वाला है और गवर्नमेंट को भी इंपैक्ट होने वाला है क्योंकि इंट्राडेट ट्रेडिंग कम हो जाएगा तो सो तो टैक्सेस कम होगा एसटीटी कम होगा गवर्नमेंट को भी एसटीटी कलेक्शन कम आएगा एक तरह से देखा जाए तो ये रूल सबके लिए नेगेटिव है लेकिन ये रूल इसलिए निकाला है क्योंकि वो कार्वी का फ्रॉड हुआ था उसके बाद सेबी ने इन्वेस्टर्स को बचाने के बचाने के लिए रूल निकाला है पूरा का पूरा अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो ब्रोकर आपकी पोर्स नहीं कर सकता एक तरह से ट्रेडर्स को बचाने के लिए रूल निकाला है लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा नुकसान है सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मार्जिन के बारे में कि YouTube पे आपने मार्जिन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे क्योंकि YouTube पे एक वीडियो मार्जिन रिलेटेड आया उसके बाद 10 डिफरेंट चैनल पे आपको 10 वीडियोस ऐसे मार्जिन के मिल गए सो आई होप आपको मार्जिन तो समझ में आया होगा लेकिन अब इससे बचना कैसे है आपको अपना ट्रेड मॉडिफाई कैसे करना है आपको अपना ट्रेड में क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इससे बचना कैसे है आप मेरा चैनल देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मेरे वीडियोज में कुछ अलग कंसेप्ट देखने को मिलता है सो so, मैं आपको इसमें लूफ होल भी समझाऊंगा कि आप इसमें किस तरीके से स्मार्टली कर सकते हो ट्रेडिंग अगर आप कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्जिन रूल फॉलो ही करना पड़ेगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये मार्जिन रूल कुछ हद तक आपको इफेक्ट नहीं करेगा वो क्यों नहीं करेगा उसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ आपको याद होगा सर्कुलर आया था सभी का फर्स्ट जून से जो लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में काम करते हैं उनको हेजिंग मार्जिन लगेगा अब हेजिंग मार्जिन क्या होता है नॉर्मल मार्जिन क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप लेट से एक कॉल सेल कर रहे हो या एक पुट सेल कर रहे हो तो आपको पूरा मार्जिन लगेगा क्यों पूरा मार्जिन लगेगा क्योंकि आपका रिस्क अनलिमिटेड है उस ट्रेड में लेकिन अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको हेजिंग मार्जिन लगेगा हेजिंग मार्जिन का मतलब क्या होता है नॉर्मल मार्जिन से कम लगता है हेजिंग मार्जिन नॉर्मल मार्जिन से बहुत कम लगता है हेजिंग मार्जिन फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाख रुपया नॉर्मल मार्जिन है कॉल सेल करने के लिए एज पर सर्कुलर फर्स्ट जून टू से हेजिंग मार्जिन जो है वो टू रिड्यूस कर दिया था सो so, उससे क्या होगा अगर लेट से आप एक कॉल सेल करने के लिए अगर आपको एक लाख रुपया मार्जिन पे करना पड़ता है अगर आप हेजिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हो तो आपको सेवेंटी टू एट्टी परसेंट कम पे करना पड़ेगा यानी पंद्रह बीस हजार रुपए में आप हेजिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हो इंट्राडे में भी ले सकते हो आप हेजिंग स्ट्रेटेजीज तो आपका पंद्रह बीस परसेंट मार्जिन में ही काम हो जाएगा अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप कॉल राइटिंग पुट राइटिंग भी कैसे तरीके से कर सकते हो ये नए मार्जिन रूल के साथ में अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा एक कॉल सेल करने के लिए कितना मार्जिन दिखा रहा है 1, 62, 000. 13, 000 का का कॉल मैंने सेलेक्ट किया निफ्टी का. एक सेल करूँ तो वन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड रुपीज मार्जिन दिखा रहा है यानी इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट पे करना पड़ेगा करेक्ट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वन लाख सिक्सटी थाउजेंड में यही कॉल मैं 10 लॉट सेल कर सकता हूं एज पर न्यू मार्जिन रूल अब ध्यान से देखना वीडियो क्योंकि आपको बाकी यूट्यूब चैनल पे जो मैं समझा रहा हूं वो आपको नहीं मिलेगा एक लाख साठ हजार में यही कॉल 10 लॉट कैसे सेल कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया हेजिंग मार्जिन जो है सेवेंटी एट्टी परसेंट कम हो चुका है तो अगर आप ऑप्शन स्ट्राटेजी में ट्रेड करे तो आपको हेजिंग मार्जिन लगेगा अब हेजिंग मार्जिन का बेनिफिट क्या होता है अब स्क्रीन पे ध्यान से देखना हेजिंग स्ट्रेटजी का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ अगर ये ट्रेड आप इंट्राडे में भी कर रहे हो तो भी आपको सबसे कम मार्जिन लगेगा क्यों क्योंकि सेबी का ही रूल है हेजिंग स्ट्रेटेजी पे हेजिंग मार्जिन लगेगा नेकेड ऑप्शन राइटिंग में पूरा मार्जिन लगेगा सो आप एक कॉल सेल कर रहे हो एक पुट सेल कर तो पूरा मार्जिन लगेगा लेकिन हेजिंग ट्रेड करो तो हेजिंग मार्जिन ही लगेगा मैंने आपको तेरह हजार का कॉल सेल बताया था वन लाख फोर्टी फोर थाउजंड मार्जिन दिखा रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हो जीरो मार्जिन कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं मैंने यहाँ पर दस लॉट कर दिया तो अब अभी चौदह लाख रुपए मार्जिन दिखा रहा है मतलब अगर आपको ट्रेड करना है दस लॉट सेल करना है तेरह का कॉल तो आपको चौदह लाख रुपए मार्जिन पे करना पड़ेगा अभी फर्स्ट दिसंबर से आपको सिर्फ इसका ट्वेंटी पे करना पड़ेगा यहाँ तक सिंपल मार्जिन रूल है जो हो रहा है, आप तो सेल किया था 13000 का कॉल 13 अगर 10 लॉट बाय करते हो तो टू लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड में आप दस लॉट में ट्रेडिंग कर सकते हो टू लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड ये तो हंड्रेड परसेंट मार्जिन हुआ इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर मैं मार्जिन बात करूं तो approximately ,000, 80 ,000. 80 ,000 के में भी आप 10 सेलिंग कर सकते हो कर कर सकते हो हो के साथ में तो अगर आप हेजिंग कर रहे हो, निफ्टी का तेरह हजार का कॉल अगर आप दस लॉट सेल करोगे तो भी आपको तो सेवेंटी फाइव एट्टी थाउजेंड ही मार्जिन लगेगा अगर आप हेजिंग में ट्रेड कर रहे हो अगर मैं लेट सेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक की भी बात करता हूँ तो भी मार्जिन लगेगा टू लाख सिक्स थाउजेंड जो कि एज कम्पेयर टू चौदह लाख से मार्जिन बहुत कम है अगर आपको मार्जिन से बचना है तो आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखना ही पड़ेगा वही एक रास्ता है जिससे आप इंट्रा में ट्रेडिंग कर सकते हो हेजिंग मार्जिन के साथ में कर सकते हो अब आपका क्वेश्चन होगा ऐसा कौन सा ब्रोकर है जो आपको टू लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड में दस लॉट सेल करने देगा ब्रोकर भी दो टाइप के हैं एक ट्रेडिशनल ब्रोकर है और एक डिस्काउंट ब्रोकर है ट्रेडिशनल ब्रोकर वो है जैसे शेर खान है फिलिप कैपिटल है मोतीलाल ओसवाल है तो ये सब ट्रेडिशनल ब्रोकर है और कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है जैसे एलआई ब्लू है अपस्टॉक्स है जीरोदा है तो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जा रहे हो तो आपको ये मार्जिन मिल जाएगा ट्रेडिशनल जो ब्रोकर है वो आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन हमेशा लेगा जैसे अगर आप शेरखान में जाते हो या आईसीआईसीआई में जाते हो तो वो एक ब्रांड है ब्रांड के पास जाओगे तो आपको थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा सो मैं आपको कुछ ब्रोकर सजेस्ट करता हूँ अगर आप वहां पर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ये सेम मार्जिन एप्लीकेबल रहेगा हेजिंग स्ट्रेटेजी के लिए तो ये मेरा YouTube चैनल है अभी मैंने रिसेंटली सीसीआई का वीडियो डाला था इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और यहाँ पर आप चार ब्रोकर देख सकते हो अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो सबसे बेस्ट अलायंस ब्लू है अलायंस ब्लू में आपको आज भी हाईएस्ट मार्जिन मिलता है इंट्राडे के लिए और एक्सपायरी डे के दिन ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट मार्जिन अलायंस ब्लू देता है आप ये अलायंस ब्लू के लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ये मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा हेजिंग स्ट्रेटेजी का और अगर आपको जीरोदा में ओपन करना है तो जीरोदा का भी लिंक मैंने दिया है जीरोदा और ब्लू अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपको जीरो मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा अब स्टॉक में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो अब स्टॉक में भी सेम मार्जिन लगेगा सो so, जो मैं आपको आपको पर कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, अगर मार्जिन के हिसाब से ट्रेडिंग करना है तो आप ये चार में से किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कर सकते हो अब स्टॉक अलायस ब्लू एंड फाइव ये चारों में मेरा अकाउंट है चारों में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में कम मार्जिन लग रहा है अगर आपको सेबी के नए इंट्राडे मार्जिन रूल से बचना है तो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आपको सीखना पड़ेगा और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में जो हेजिंग मार्जिन लगता है ऐसे ब्रोकर के पास ही आपका अकाउंट होना चाहिए तभी आपको ये एडवांटेज मिल सकता है अगर आप ट्रेडिशनल ब्रोकर के पास जाओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मार्जिन पे करना पड़ सकता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप ये चारों में से किसी में भी अकाउंट ओपन कर लो जैस आपको लिंक पे क्लिक करना है और आपको अपना डिटेल सबमिट करना है ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा पाँच से दस मिनट में तो आई होप आपको ये वीडियो में सभी का नया मार्जिन रूल समझ में आया होगा उससे बचना कैसे है स्मार्टली अपने ट्रेड को मॉडिफाई कैसे करना है वो भी आपको समझ में आया होगा और आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आया होगा किस तरीके से मैं दो लाख सत्तर हजार रुपये में दस लॉट सेल कर सकता हूँ तेरह हजार का कॉल हेजिंग के साथ में तो मार्जिन रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे लेकिन आई होप आपको ये वीडियो काफी अलग लगा होगा मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको थोड़ा सा यूनिक कंटेंट दूं, अलग कंटेंट दूं तो आपको मेरे वीडियोस देखने में काफी अच्छा लगे और आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में समझ में आए सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो